प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने राज्य में अवैध रूप से काबिज विभिन्न श्रेणी के लोगों के संबंध में समिति के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी मौजूद रहीं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में वर्ग 3 और वर्ग 4 में सम्मिलित श्रेणी की जमीनों पर पूर्व में सरकारों द्वारा नियमितीकरण का निर्णय लिया गया था, जिसकी समय अवधि पूर्ण हो चुकी है, जिसको लेकर बढ़ाने को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। अधिकारियों को इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, जिसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि अन्य श्रेणी की जमीनों के संबंध में भी सभी जनपदों के जिला अधिकारियों को इस पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया था, लेकिन सिर्फ 3 ही जिला अधिकारियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस संबंध में आज की गई बैठक में जिला अधिकारी को जल्द से जल्द रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं, ताकि रिपोर्ट को समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जा सके। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। प्रदेश में जो विभिन्न श्रेणी की जमीनें हैं, जो राज्य सरकार की जमीनें हैं, जिन पर अवैध रूप से बरसों बरसों से लोग काबिज हैं, उन जमीनों में जो विभिन्न श्रेणी की हैं, काबिज लोगों को किस क्या विनतीकरण किया जा सकता, इसको लेकर के कमेटी में अध्यक्ष मनीष में माननीय मंत्री रेखा आर्या जी और सोरन मोहना जी सदस्य हैं। आज उसकी ये तीसरी बैठक थी, जिसमें सचिव राजस्व और प्रमुख सचिव न्याय, अपर सचिव राजस्व सहित कई अधिकारी भी शामिल थे और रेखा आर्या जी थी। रेखा आर्या जी भी इस मीटिंग में रही। इसमें एक दो चीज़ों में प्रथम एक चर्चा ये हुई है कि जो वर्ग 3 को और वर्ग 4 की जो जमीनें हैं, जिस पर पूर्व में सरकारों द्वारा निर्णय लिया जा चुका था नियमितीकरण का, उसकी समय अवधि समाप्त हो गई है। तो समय अवधि बढ़ाने के बारे में, एक तो उस समय अवधि को बढ़ाने के लिए और उसका मैकेनिज्म क्या हो, उसको लेकर के चर्चा हुई और इसमें इसके संबंध में एक अंतिम रिपोर्ट कैबिनेट में प्रस्तुत कर दी जाएगी।